नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना पजल ऑफ माइंड। क्या आप मुझे नहीं जानते? वैसे हिंदी में ये मेरा पहला वीडियो है, पर हम जान पहचान न करते हुए चलिए उस ओर अग्रसर होते हैं जिस चीज में हमें सबसे ज्यादा मजा आता है। अब समझिए, एक टंकी है जो पानी से भरी हुई है, फिर एक चूहा आकर उसमें से 1% पानी पी जाता है। ये चूहा जरूर कोई गणितज्ञ होगा जिसने बराबर गिनकर 1% पानी ही पिया। फिर एक पंछी आकर बचे हुए पानी में से 2% पानी पी जाता है। अब आपकी बिल्ली को भी तो प्यास लग जाती है, वह सीधे टंकी के ऊपर चढ़कर बचे हुए पानी का 3% पानी पी जाती है। चलिए समझते हैं, यह सिलसिला जारी रहता है। फिर एक कुत्ता आकर बचे हुए पानी का 4% पानी पी जाता है, इत्यादि। तो आप मुझे बताइए कि बिल्ली ने कुत्ते से क्या कहा? हाँ जी नहीं, यह मेरा सवाल नहीं। मेरा सवाल यह है कि यह कार्यविधि कितनी बार चलती रही तो टंकी पूरी की पूरी खाली हो जाएगी। इसके आगे पानी किस मात्रा में निकाला जाएगा उस पर एक बार गौर फरमाइएगा। अब जवाब जानने से पहले मैं आपको एक बार मेरे एक दोस्त से मिलवाना चाहूंगा। जी हाँ, यही है वह। इसका नाम है मॉडल ऑफ माइंड, जिसका अगर हिंदी में अनुवाद करें तो निकलता है दिमाग की दही। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। इसका नाम इसकी कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए ही रखा गया है। आगे से हम इसकी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि यह सर के विभाग में भी थोड़ा हल्का है। जी हाँ, हम इस बात का भी बुरा नहीं मानेंगे। तो अब आप यह सवाल खुद से सुलझाने का प्रयत्न कीजिए, और जब आपको लगे कि आपने अधिकतम कोशिश कर ली है तो आगे का वीडियो देखिए, यह जानने के लिए कि हमारे वर्णन में इस सवाल का जवाब क्या होगा। इस सवाल की एक खासियत यह भी है कि असल में इसे गणना या कैलकुलेशन द्वारा हल नहीं किया जा सकता। काफी लोग इसे गणना से सुलझाने की कोशिश जरूर करते हैं, पर पता नहीं वे कोई आईना देख उसमें अपना सर डाल देते हैं। अगर आप इसे गणित से सुलझाते हैं तो देखिए क्या होता है। बाकी का तो आप समझ ही गए होंगे। अब समझिए, x बार पाई निकाला तो टंकी पूरी खाली हो जाएगी, और यह समझिए कि x माइनस 1 बार पानी निकाला जा चुका है। तो बताइए आखिरी बारी में हमें कितना प्रतिशत पानी निकालना पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही। आप जब 100% पानी निकालेंगे तो ही तो टंकी पूरी की पूरी खाली हो पाएगी। अब अगर आप याद करेंगे तो आपने 5वीं बारी में 5% पानी निकाला था, 6वीं बारी में 6% पानी निकाला था, तो इसलिए आप 100% पानी सभी बारी में निकालेंगे तो 100 बार पानी निकालने में टंकी खाली हो जाएगी। अब अगर जरा सी भी संभावना के तहत आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। हम अगली बार यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई संभावना ना रह जाए। हे मर्डर, मुझे कोई नहीं जानता और बैटमैन को कोई नहीं जानता, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही बैटमैन हूं? दिलचस्प सिद्धांत है। हम इस पहेली का हल अगले वीडियो में जरूर निकालेंगे।